अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्कॉलर इंस्टीट्यूट। आई एम ग्लैड दैट यू ट्यून इन विद मी। सो व्यूवर्स, हम आज अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एफए की कंपलसरी इंग्लिश 1, जिसका कोड है 386। इसका हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, जो बेस करता है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस पे। हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स पे लेक्चर्स आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं, और आज जो हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड टेक्स्ट 4 है। इसमें हम लोग इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। हियर इज अनदर सिचुएशन, यहाँ एक और सिचुएशन है। टू फ्रेंड्स बुशरा एंड सारा कम अक्रॉस ईच अदर इन अ पार्क। बुशरा एंड सारा जो है वो पार्क में एक दूसरे से मिलती हैं। लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन, उनकी कॉन्वर्सेशन या उनकी गुफ्तगू को सुने। एंड नोटिस, और नोटिस करें हाउ इनफॉर्मली दे ग्रीट ईच अदर, कि वो किस तरह इनफॉर्मली एक दूसरे से ग्रीटिंग्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बुशरा, हे सारा, हाउ आर यू टूडे? सारा, तुम आज कैसी हो? सारा, आई एम ग्रेट एंड यू? मैं ठीक हूँ, और तुम? बुशरा, वेरी बिजी, बहुत ज्यादा मसरूफ। आई एम टेकिंग अ वॉक नाउ, अभी मैं वॉक कर रही हूँ। बट लेटर आई हैव टू डू अ लॉट, बट इसके बाद मुझे बहुत कुछ करना है। सारा, व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको क्या कुछ करना है? बुशरा, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू द शॉपिंग, सबसे पहले मुझे शॉपिंग करनी है। वी डोंट हैव एनीथिंग इन द फ्रिज, मेरे पास फ्रिज में या हमारे पास फ्रिज में कुछ भी नहीं है। सारा, एंड देन, और फिर उसके बाद? बुशरा, वेल माई सन हैज टू गो टू स्कूल पार्टी इन द इवनिंग, सो आई हैव टू टेक हिम देयर, मेरे बेटे की स्कूल में पार्टी है शाम में, सो मुझे उसको वहां लेकर जाना है। सारा, ओ How is he doing at school? वो स्कूल में कैसा कर रहा है, या मीन उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में कैसी है? बुशरा, माशाल्लाह, he is doing very well, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या वो बहुत अच्छा कर रहा है? सारा, that's impressive, ये बहुत ही मुतासिर कुन है। बुशरा, well, then सारा, it's lovely meeting you, तो बुशरा जो सारा को कहती है कि बहुत अच्छा सारा, तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगा, या बहुत प्यारा लगा। Why don't you come over sometime? तुम क्यों नहीं किसी और टाइम पे आती? सारा कहती, yes, why not? हाँ, क्यों नहीं? I would love to, मुझे ऐसा करना पसंद आएगा, या मैं ऐसा करना चाहूंगी। Till then, bye and see you soon, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और दोबारा मिलेंगे। बुशरा, ओके गुड बाय फॉर नाउ। और बुशरा कहती है, ओके अब तक के लिए गुड बाय। सो ये देखिए किस तरह इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेशन की है। लास्ट लेक्चर में हमने मिस्टर बिलाल, मिसेज अहमद और मिस्टर अहमद की हमने कॉन्वर्सेशन मिली जो सुनी थी, उसे हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या था, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से मिलता है, तो वो कैसे फॉर्मली कॉन्वर्सेशन हुई है, और ये दो फ्रेंड्स पार्क में मिले तो इनके दरमियान कैसे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई है। सो आप इनको माइंड में रख सकते हैं। नाउ हम करेंगे ये ए फोर में कहते हैं, सो व्हाट डिड यू नोटिस इन द डायलॉग। सो आपने डायलॉग में क्या नोटिस किया? टू फ्रेंड्स मीटिंग इन अ पार्क एंड टॉकिंग टू ईच अदर, दो दोस्त एक दूसरे से पार्क में मिले हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किए हैं, बात की है। When friends meet each other, जब दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, they speak informally or casually, तो वो क्या करते हैं, informally बात करते हैं, और casual form में mean आम तौर पे बहुत ही यानी के गैर रस्मी गुफ्तगू जैसे कहते हैं। Now write the greetings, और आप greetings लिखे and their responses, उनके responses in the separate column given below, तो आपने उनकी greetings और उनके जो responses हैं उनको यहाँ लिखना है। So आपने एक किस्म को ऊपर से डायलॉग देके यहाँ rewrite करना है, जैसे कि हाय सारा, हाउ आर यू टूडे, आप आज कैसे हो? आई एम ग्रेट एंड यू। सो ऊपर वाला तमाम डायलॉग लिखना है आपका, इसका मकसद ये प्रैक्टिस है, जब हम हाथ से कोई चीज लिखते हैं तो हमें अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। आई मस्ट सजेस्ट यू कि इन छोटे छोटे ग्रीटिंग्स को आप याद करें और अपनी डे टू डे लाइफ में
शामिल करें अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं और अगर मार्क्स में एग्जाम से आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। जिससे वो खत्म होती है, होपफुली आपको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सके होंगे कि फॉर्मली हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और इनफॉर्मली कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आपका आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो। सब्सक्राइब कर लें न्यू व्यूवर्स चैनल्स को और जो बेल का आइकॉन है उसे जरूर हिट करें ताकि डेली के लेक्चर आपको टाइम पे मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।